सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अब हम आपको 10th क्लास की फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने आपके 2 यूनिट खत्म करा दी है। अब आपकी यूनिट 3 चल रही है, जिसमें आपके हमने कुछ थ्योरम डेरिवेशन वगैरह करा दिए। देखिए, आज हम आपको धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताने वाले हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक मैक्सवेल और दयास्कल नियम, ठीक है, दो हैं। अब देखिए, इन्हें वीडियो को मिस मत करना, ये इंपॉर्टेंट है, आपको मिल सकते हैं। इसमें से दयास्कल या मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती फेज का नियम के द्वारा ये इसमें से आपको एक मिल सकता है, इसलिए कहता हूँ वीडियो को मिस मत करना, वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। देखिए, हम आपको डेरिवेशन इसलिए लिख देते हैं, आपका टाइम नहीं खराब हो। अगर हम साथ साथ आपको टाइम चित्र बनाएंगे, साथ साथ ये भी लिखेंगे, डेरिवेशन थ्योरम वगैरह लिखेंगे, तो आपका क्या होगा, टाइम बहुत होगा और वीडियो कितनी लंबी हो जाएगी, कम से कम 1-2 घंटे की वीडियो बनने हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं पहले लिख लेता हूँ, जिससे कि आपकी वीडियो छोटी बन सके, 10 या 15 मिनट की, जिससे कि आप बोर भी नहीं हो, अच्छा समझ में आए, ठीक है। अब देखिए, आपको इसके बारे में पहले बताते हैं। देखिए, धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। देखिए क्या होती है, पहले पढ़िए। देखिए, धारावाहिक चालक के क्या कह रहा है, धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्न 2 नियमों में से किसी एक नियम द्वारा ज्ञात की जा सकती है। ये क्या कह रहा है, धारावाहिक चालक के कारण, क्या कह रहा है, धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में 2 नियमों में से किसी एक नियम द्वारा ज्ञात की जाए। इन दोनों नियम में से हमें, जैसे ये फर्स्ट और इन दोनों में से हमें एक नियम के द्वारा या तो पहले से ज्ञात कर सकते हैं या दूसरे, अगर पहले से होगा तो दूसरे से नहीं होगा, अगर पहले से हो जाता है तो दूसरे से नहीं होगा, ठीक है, देख लेना किससे होता। अभी तो पहला ही है, पहला देख लीजिए, उसके बाद बताते हैं, ठीक है। अब देखिए, एडिंग डाल लेना, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती में पेज का नियम, ठीक है, क्या है, इस तरह देखिए चित्र बना लेना, फेज का नियम, ये देखिए हमने चित्र बना दिया है, इससे चित्र को बना लीजिए, ये दाया आपका, ठीक है, और ये धारावाहिक चालक है और ये पेज है, पेज की तरह बना रखा है, ठीक है, ये पी पी वेक्टर पी इनवर्ट कॉमा और ये पी है प्लस, ठीक है, ये कुंजी है आपका डॉट, क्या ये डॉट, डॉट भी कह सकते हो, ठीक है, चिन्ह। देखिए आप क्या करेंगे, थ्योरम कैसे लिखेंगे, देखिए मैंने लिखी है कैसे थ्योरम लिखी, यदि हम किसी पेचकस, यदि हम जैसे पेचकस किसी, देखिए आप कुछ भी ले लीजिए, अगर पेचकस आपके हाथ में, आप उस पेज को खोलोगे तो क्या होता, देखिए, यदि हम किसी पेचकस को दाएं हाथ, क्या कह रहा है, यदि हम पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेज की नोक, क्या कह रहा है ये, इस तरह घुमाएं कि प्रकार की पेज की नोक चालक में बहने वाली धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो जिस दिशा में पेज घुमाने के लिए अंगूठा, देखिए इस तरह ही तो आप पकड़ोगे, ठीक है, इस तरह पकड़े, ये पेज है मान लो, अब इसके ऊपर तुम रखोगे, घुमाओगे इस तरह, इधर घूम रहा है, किधर, इधर इधर आप घुमा रहे हो, तो आप उंगली में कोई ताकत तो नहीं लगा सकते, उंगली आप पकड़ लीजिए, उंगली से नहीं घूम सकते आप, जब अंगूठा की ताकत लगाओगे आपकी, समझ देख लेना, अगर आपकी एक ये और ये दो उंगली नहीं है तो आप कुछ काम नहीं कर सकते, ठीक है, अगर अंगूठा है तो भी काम नहीं कर सकते, आपकी ताकत इससे और अंगूठा से लगती है, ठीक है। आप देखिए घुमाओगे, किस तरह घुमाओगे, इस तरह, और इस तरह ये कसेगा, ठीक है, इस तरह बताया ना, ठीक है, अंगूठा घुमाता है वह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी, क्या ये चुंबकीय दस, ये जो इधर घुमा रहे हैं क्या होगी, चुंबकीय दिशा, क्या चुंबकीय दिशा होगी, ठीक है, समझ में आया,
देख लेना इस तरह ही पकड़े जाए, देखना इस तरह घुमा घुमा रहा है, ठीक है, पेच है ये आपका। अब देखिए इसको हम मैं धारावाही चालक तथा बिंदु पी, क्या बिंदु पी, हमारा बिंदु पी कहाँ है, ये है, तथा पी वेक्टर पी सॉरी पी की इनवर्ट कॉमा क्या है, ये है, कागज के तल में उपयुक्त नियम से बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी। क्या कह रहा है देखिए, मैं धारावाही चालक तथा बिंदु पी तथा बिंदु इनवर्ट कॉमा कागज के तल में है, क्या तल में है, कागज के उपयुक्त नियम से बिंदु पी पर, देखिए बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी, ठीक है। इस गोले के में क्रॉस के चिन्ह क्या है, धनात्मक से प्रदर्शित किया गया है, ठीक है, और चालक के दूसरी ओर स्थित बिंदु पी इनवर्ट कॉमा पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। इसे गोले में डॉट के, ठीक है, देखिए इसे पी वेक्टर को देखना, गोले में डॉट के चिन्ह से प्रदर्शित किया गया है। ये आपका हो गया मैक्सवेल दक्षिणावर्ती पेच का नियम, ठीक है, समझ में आ गया होगा, इसे कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको दायांत के नियम के द्वारा समझाएंगे, ठीक है, पहले इसे करना, दूसरा आप करा रहे हैं। देखिए अब दायांत के हथेली का नियम देख लीजिए, इस तरह आप चित्र बना लेना, ठीक है, बुक की तरह उस पे इसमें डॉट डॉट कर लेना, इसे बना लेना, ठीक है, कच्ची पेंसिल से, ठीक है। अब देखिए दाएं हाथ हथेली का नियम क्या होता है, देखिए यदि हम अपने दाएं हाथ को पूरा पंजा इस प्रकार, क्या पूरा पंजा इस प्रकार फैलाएं कि अंगुलियां अंगूठे के लंबवत हो, तब यदि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा आई की दिशा की ओर तथा फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु पी की ओर संकेत करें जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। अब देखिए अपना पूरा दाएं हाथ का अंगूठा इस तरह फैलाइए, देखिए फैला, अब देखिए अंगुलियां की तरफ देखिए धारा क्या कह रहा था, ये धारा, अब देखिए इस तरह आप फैलाओगे, देखिए आपका इस तरह फैलाओगे अंगूठा आपका क्या ये इस तरह हो जाएगा, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की तरह, ठीक है। अब देखिए दोबारा से बताते हैं, देखिए यदि हम अपने दाएं हाथ, ठीक है, अपना दाएं हाथ देख लेना, दाएं हाथ का पूरा पंजा इस प्रकार फैलाएं कि अंगुलियां अंगूठे के लंबवत, क्या अंगुलियां अंगूठे के लंबवत हो जाएं, ठीक है, अंगूठा चालक में पहली बारी, जो अंगूठा है चालक में पहली बारी धारा क्या है हमारी आई, देखिए जो अंगूठा है हमारा उसमें क्या बह रही है, धारा बह रही है, ठीक है, कि दिशा की ओर तथा फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु पी पर, क्या कह रहा है, उस बिंदु पी पर, देखना इस तरह चित्र बना रहा, आप यहाँ पे देखना ये हमारा बिंदु पी, ठीक है, डॉट डॉट कर लेना है, उस बिंदु पी पर संकेत करें जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, हमें क्या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत भार की ओर होती है, धारावाही चालक तथा बिंदु पी पर कागज के तल में है उपयुक्त नियम से बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। इस तरह ये दाएं हाथ का लंबे नियम है, आप अपने इसे इस थ्योरम के द्वारा कर सकते हो, आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है, चित्र बना लेना, इस तरह आपका हो गया, ये खत्म हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक इतना ही।